कितनी लड़कियां हैं, कितनी औरतें हैं जो घर से भाग जाती हैं, और इसका पूरा सही सही डेटा सरकार के पास भी नहीं है, और ना ही परिवार के लोग बता पाते हैं, ना ही समाज के लोग बता पाते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा लड़कियां क्यों भागी अपने घर से। उनको खुद ही जानकारी नहीं होती है इस बात की, और सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों लड़कियां, औरतें घर से भाग जाती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती होगी परिवार में, समझदारी की, समाज में, कि लड़कियां भागने पर मजबूर हो जाती हैं। इस पर आगे बात करेंगे, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लड़कियां, औरतें घर से क्यों भाग जाती हैं? जरूर उनकी कोई ना कोई मजबूरी होती होगी, तभी तो कोई भागता है। क्या अपना कोई घर छोड़ने का मन करता है? कितनी तकलीफ होती होगी, कितना कठिन ये निर्णय होता होगा जब कोई लड़की, कोई औरत घर से भागने का डिसीजन लेती है। बहुत ज्यादा कठिन है अपने घर को छोड़ना, लेकिन करना पड़ता है। कुछ ऐसी तादाद है ज्यादा कि जो सच में घर छोड़ करके लड़कियां और औरतें चली जाती हैं। उसके पीछे केवल एक रीजन नहीं है कि वो अपने प्यार के लिए ही घर छोड़ती है। कुछ रीजन ऐसे भी हैं जो प्यार से रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन सपनों से रिलेट जरूर करते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो करना चाहते हैं उसके लिए हमारे घर वाले राजी नहीं होते। जैसे कि किसी को फिल्मी दुनिया में काम करना है और घर वाले इसके लिए बिल्कुल खिलाफ हैं, तो वहां पर भी देखा जाता है कि लड़कियां घर छोड़ देती हैं। और इसी तरह से जहां पर उनकी शादी जबरदस्ती कराई जाती है और वो किसी और को पसंद करती हैं, तो भी घर छोड़ देती हैं। या तो फिर एक रीजन ये भी होता है कि लड़कियों को आगे पढ़ना है, लड़की को आगे पढ़ना है, लेकिन घर वाले मजबूर कर रहे हैं कि शादी करो, और लड़की अगर शादी के बंधन में बंध जाएगी तो फिर उसका आगे का एजुकेशन जो है वो प्रभावित होगा, इसलिए भी लड़कियां घर छोड़ देती हैं। लेकिन ये तो वो लड़कियां हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं घर छोड़ते हुए। बहुत बड़ा आंकड़ा है जहां पर लड़कियां और औरतें घर छोड़ देती हैं, और किसी को पता नहीं चलता कि कैसे, क्यों, कब, कुछ नहीं पता चलता है। ऐसी तादाद औरतों की और लड़कियों की बहुत ज्यादा। कितनी लड़कियां हैं, कितनी औरतें हैं जो अपने मन ही मन भाग जाती हैं अपने राजकुमार से मिलने, अपने सपने को पूरा करने, वो अपने मन में भाग जाती हैं। लड़कियां, वो औरतें जो अपने रत जगे में, अपनी डायरी में भाग जाती हैं। जब वो अपनी डायरी लिखती हैं तो उसमें लिखती हैं कि वो भाग रही हैं। जब वो रत जगे में रात में जगती हैं तब वो देखती हैं कि वो भाग रही हैं जिसे वो पसंद करती हैं उससे मिलने के लिए, या जो परिस्थितियों में वो जी रही हैं उसमें वो नहीं रहना चाहती हैं। फिर भी समाज का बंधन, परिवार का बंधन, सबकी मर्यादाओं का पालन करने के लिए वो शारीरिक रूप से वहां पर हैं, लेकिन उनका मन हर रोज रात में भाग देता है। उनकी डायरी में, उनके रत जगे में वो लड़कियां, वो औरतें घर से भाग जाती हैं, जिनका आंकड़ा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और इसका डेटा किसी के भी पास नहीं है। शादी से पहले लड़कियां उम्मीद लगाती हैं कि हमारे जो सपने मायके में नहीं पूरे हुए वो ससुराल में पूरे होंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। उनका कोई सपना पूरा नहीं होता है, और उनके पास एक ही रास्ता बचता है अपनी खुशी के लिए कि वो अपने सपनों में भाग जाएं, अपनी डायरी के पन्नों में भाग जाएं और अपनी दुनिया को जी लें। यही है एक औरत और एक लड़की की कहानी जो अपने रत जगे में भागती है, अपनी डायरी में भागती है। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ये बात सच है या नहीं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।